सबसे हितैषी वो माँ बाप होते हैं। माँ बाप तो पूजनीय है, देवता के बराबर कहा गया है माँ बाप को, लेकिन माँ बाप की अधिकतर सोच होती है कि हमें बहुत अधिक जमीन खरीद के जाना है, बेटे को 2-4 किलो चांदी सोना खरीद के जाना है, बैंक में बैलेंस छोड़ना है, मकान बनाना है। ये बहुत अच्छी सोच है, हर माँ बाप की कल्पना होती है कि हम अपने बच्चे को देकर जाएं। लेकिन अगर तुमने बच्चे को सब दे दिया, संस्कार ना दिए, तो आपका जो भी आपने जीवन भर की कमाई जोड़ी है, बैंक बैलेंस, जेवर, जमीन, मकान, अगर आपका बच्चा गलत संगति में चला गया, नशा करता है, चरित्र से भटका है, तो आपके जीवन भर की कमाई 1-8 साल में चौपट कर देगा। इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि धन दे पाओ बच्चों को या ना दे पाओ, संस्कार जरूर दे देना। अगर संस्कार दे दिए तो विदेश में भी रहेगा तो खुद का पेट भरेगा, अपने बच्चों का पेट भरेगा और समाज हित के कार्य करेगा। हमें बच्चों को संस्कार देना। अधिकतर बच्चे भटके, अच्छा माँ बाप की बात नहीं मान रहे। अगर माँ बाप को रुला रहे हो तो तुम किस देवी देवता को प्रसन्न कर लोगे? भैया कैसे हो जाएंगे देवी देवता प्रसन्न? बिना कर्तव्य के पालन में कभी किसी देव की कृपा नहीं मिलती। सारे देवों के कुछ ना कुछ लक्ष्य रहे। बजरंगबली भगवान ने तो अपने इष्ट के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, रोम रोम सांस सांस समर्पित कर दी। और भगवान राम ने पिता के वचनों के लिए राजपाट छोड़ दिया। अब हम सिर्फ अपने माँ बाप की बात ना माने और देवी देवताओं की कृपा मिल जाए तो नहीं मिलेगी। आओ कर्तव्यों का पालन करें। माँ की आंख में आंसू नहीं होने चाहिए, माँ की ममता को कोई नहीं समझ पाएगा। इन जगत जननी जगदम्बा की ममता को क्या समझ पाएंगे जब हम अपनी माँ की ममता को ना समझ पाए। और सारी माताएं दुखी है, गौ माता को काटा जा रहा है तो गौ माता दुखी है, भारत माता दुखी है। इतने भ्रष्ट राजनेता राज कर रहे हैं कि उन्हें 50-60 करोड़ का लालच दे दो तो वो अपनी माँ को बेच देंगे, अपनी पार्टी छोड़ देंगे। तो उनसे भारत माता दुखी है, गौ माता कट रही तो गौ माता दुखी है, धरती माता दुखी है, और हमारी माता दुखी है जिसके बेटे शराब पी रहे हो, एक्सीडेंट में हाथ पांव टूट गए हो, वो माता भी दुखी है। और जब ये चार माताएं दुखी हैं तो जगदम्बा की कृपा नहीं मिलेगी। आओ इन चार माताओं के प्रति कर्तव्य पूरे करें। ये सच्चाई है, आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी। माँ की ममता गुरुवर ने बताई है कि अपनी माँ से देख लेना कि अपनी माँ की ममता में कितनी छाया मिलती है, फिर सोचो जगदम्बा के चरणों में कितनी छाया मिलती होगी। सब पूछते हैं, पत्नी माँ की ममता की चर्चा चल रही है, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं। पत्नी क्या पूछती है, हमें सुखी रखोगे कि नहीं? ये पत्नी पूछती है पति से कि हमें सुखी रखोगे कि नहीं। लेकिन माँ क्या कहती है? माँ कहती है बेटा तुम सुखी रहना। वो अपना सुख नहीं देखते, बेटे का सुख देखती है। तो माँ को समझे तो वो माँ समझ में आए। आए उन जगत जननी जगदम्बा की साधना करें। अपनी माँ सबसे बड़ा उदाहरण है। ये अपनी माँ भी उसी माँ ने बनाई, सब कुछ उसी माँ ने बनाया। सारे देव धनुज ऋषि मुनि सब माँ की रचना है, करोड़ों ब्रह्मांड बनाए। तो उन माँ को मूल इष्ट के रूप में स्वीकार करें। आज ये हमारा भी सौभाग्य है कि इतने पावन दिवस पर दिव्यता की आरती का लाभ मिला। एक अनुष्ठान और किया जाएगा, अतः एक बार फिर इस नवरात्रि के पावन पर्व पर मन से वचन से कर्म से सभी ग्रामवासियों के आत्म कल्याण के लिए, सभी बुजुर्ग माताएं बहनें विशेष तौर से, युवा हमारे बच्चे सभी की जिस प्रकार की जैसी भी कामना भावना हो, हे माँ आप सभी के कष्ट आप सभी के दुख दर्द जानती हैं, हम नहीं जानते, हम तो आपके चरणों के सेवक हैं। तो जो जिस दुख से दुखी हैं उनके वह दुख दूर करें और वह भी आपके बताए मार्ग पर चल सकें, आपके चरणों की छाया में आकर अपना जीवन धन्य कर सकें। इसी भावना कामना के साथ यहां उपस्थित समस्त माताओं बहनों भाइयों बच्चों को और सुन रहे समस्त ग्रामवासियों को सादर जय गुरुवर की, जय माता।